अब हम आर एस लैच बनाएंगे और उसको सिमुलेट करके देखेंगे कि उसकी वर्किंग किस तरह होती है। तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा, जब इसे ऑफ करूंगा तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। अब ये दो एलईडीज आप देख रहे हैं, ये जब ऑफ होगा तो ये ऑन होगा और जब ये ऑन हो जाएगा तो ये ऑफ होगा। अब मैं यहां से वापस कनेक्शन यहां मिलाऊंगा और गेट यूज करूंगा। अब ये एक दफा वन हो गया तो ये वन रहेगा, वन से जीरो नहीं रहेगा। अब मैं चाहे इसे वन करूं या जीरो करूं, आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं दूसरा और गेट यहां लगाऊंगा। अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब मैं सेट और रीसेट करके दिखाता हूँ। रीसेट, सेट, इस एसआर लैच के अंदर वन बिट स्टोर हो सकती है और इसको सिंबल या ब्लॉक डायग्राम की सूरत में हम इस तरह से शो करते हैं। ये सिंबल है और इसके साथ अब मैं कनेक्शन करूंगा बटन्स के और एलईडी के। आपने भी अपने कनेक्शंस जो बनाने हैं वो स्ट्रेट लाइन में और 90 डिग्री की लाइन पर बनाने और एरो कीज इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये हमारा एक बिट की लैच का मेमोरी का सर्किट तैयार हो गया जिसमें वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। अब मैं इसे नॉर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सिमुलेट करूंगा। अब यही मैं एंड और नॉट गेट से बना सकता हूं या नैंड से बना सकता हूं। अब मैं इसको सिमुलेट करता हूं।
ये दोनों वन वन रहेंगे। जिसको एक्टिवेट करना होगा उसे वन से जीरो करूंगा। ये सेट है, ये इसका रीसेट है, ये इसका रीसेट है, ये इसका सेट है, दोनों एक दूसरे से रिवर्स काम कर रहे हैं। इनको हम नैंड गेट से दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों एक तरह से एक्ट करेंगे। ये तमाम आर एस लैच को रिप्रेजेंट करते हैं जो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है।